देखेंगे बड़ी खबर जो जबलपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, धमापुर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पहुंचे थे पूर्व मंत्री। मृतक के परिजनों के साथ भाजपा के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर ने किया था थाने का घेराव। थाने का घेराव करने के बीच पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के बिगड़े बोल। पूर्व मंत्री ने सीएसपी राजेश सिंह राठौर को धमकी दे दी है। धमकी देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, एक युवक की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री अंचल सोनकर पहले थाने पहुंचते हैं और उसके बाद उनके जो बोल है वो बिगड़ जाते हैं, वो सीएसपी को ही धमकाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस पे क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, घमापुर थाने का पूरा मामला है जहां पर एक युवक की हत्या के मसले को लेकर पूर्व मंत्री अंचल सोनकर, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो उस क्षेत्र में पहुंचे थे और उन्होंने थाने में पुलिस कर्मियों से बातचीत की। तो जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, वो बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि उन्होंने सीधे जो सीएसपी थे उनको ये धमकी दी डाली कि हम थाने में घुसकर मारते हैं। और इस तरह की ये मसला जो है पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के साथ पहले भी आ चुका है। पहले भी वो कई बार पुलिस से इस तरह से उलझे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपत्तिजनक तो है ही, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जो है सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री अंचल सोनकर उनकी मुश्किल भी बढ़ रही, क्योंकि ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी को इस तरह धमकाना निश्चित तौर पर ये कानून के जद में तो नहीं आता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब एक तरफ जहां पुलिस कोई कार्रवाई करने से फिलहाल अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पाया, तो वहीं बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।